हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मारुति सुजुकी का स्विफ्ट डीजल। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो गाड़ी जब चल रहा है सब कुछ बिल्कुल सही है, जब गाड़ी एक दिन खड़ा हो जा रहा है स्टैंड बाई, तब इसका जो बैटरी का पावर है पूरा ड्रॉप हो जा रहा है और गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सामने लेकर आओ। और गाड़ी फ्रेंड्स दो तीन मैकेनिक को दिखाया, दो तीन गैरेज में लेकर गया, इसका जो प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो इसका हम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट पहले कर लिया है, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता है, इसलिए हम इस बारे में वीडियो बना लाए। और इसका जो बैटरी है फ्रेंड्स, देख सकते हो कस्टमर इसको बैटरी नया लगा दिया। इसका जो बीमारी है वो पकड़ में नहीं आया, तो कस्टमर को बोला कि बैटरी का डैमेज है, बैटरी चेंज कर दिया। मगर बैटरी चेंज करने के बाद भी इसका जो प्रॉब्लम है सही नहीं हो पाया। तो क्या प्रॉब्लम है आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है बैटरी डैमेज होने का और बैटरी ड्रॉप होने का, जो तीन चार बेसिक जींस बेसिक आइटम होता है, बेसिक कॉमन प्रॉब्लम होता है, मतलब कि कॉमन प्रॉब्लम, वो कॉमन प्रॉब्लम है। पहले होता है इसका डेक, ऑडियो वाला डेक। दूसरा होता है इसका सेंट्रल लॉक। तीसरा होता है इसका अल्टरनेटर। और चौथा होता है इसका जो हीट टाइमर होता है ये। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करने वाला हो, उस वजह से इसका जो बैटरी है ड्रॉप हो जा रहा है। पहले आपको इसका जो वोल्टेज सप्लाई है उसको चेक करा देता है। इसको कैसे चेक करना होता है, चलो सामने कैमरा सामने लेकर देखिए फ्रेंड्स। जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा पहले क्या करना होगा, इसका जो नेगेटिव वायर है इसको खोल लेना होगा। कैमरा में क्लियर देखा। खोल लेने के बाद छोटा सा एक अलग से क्लैंप बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और एक तार ले लीजिएगा। और देखिए चल रहा है, बहुत नेगेटिव वायर खुला है, गाड़ी बिल्कुल बंद है। इसका जो सिग्नल है ये जल रहा है, ऐसा जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चेक, अगर ऐसे जलेगा तो प्रॉब्लम है। जलता है, थोड़ा सा जलता है, जो सेंट्रल लॉक रहता है ना उसके लिए, इतना पावर में नहीं जलेगा। मतलब कि इसमें कोई ना कोई लाइन ऑल टाइम चालू रहता है, इसका वजह से इसका जो बैटरी है डाउन होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। पहले आपको दिखाएंगे इसका डेक का पोजीशन। कैमरा सामने लेकर आओ। तो थोड़ा बहुत खुला रहेगा गाड़ी का अंदर, क्योंकि हम पहले ही काम कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेक है तो इसको हम खोला था। इग्निशन को ऑन कर लेता है, देखिए फ्रेंड्स बैटरी का पावर लगाओ, उधर बैटरी का पावर लगाओ, देख सकते हो इसमें बैटरी का। हम जब पावर इसमें इग्निशन ऑन कर दिया, देखिए फिर दोबारा ऑन कर रहा है, ये इग्निशन ऑन, और इसमें डेक में लाइन आ गया। कैमरा दूर से देखाओ, दूर से देखाओ, नज़दीक देखो, क्लियर करके दिखाना। देखिए इग्निशन का हम स्विच बंद कर रहा है, बंद, देखिए देख डेक का लाइन बंद। ओके, दूर से पूरा देखाओ, पूरा देखाओ, देखिए इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑन दिखाई दे रहा है, और डेक में दिखाई दे रहा है, देखो इग्निशन बंद, डेक में बंद, मतलब इसका जो लाइन है एक कट आउट हो रहा है, ठीक है, ये सही है। और दूसरी जो है सेंट्रल लॉक, सेंट्रल लॉक का फैन उतना इशू नहीं रहता है। अगर सेंट्रल लॉक का इशू रहेगा, इसका जो सेंट्रल लॉक का मोटर है किट किट करके नॉइस देगा, आपको बाहर से ही मालूम पड़ जाएगा। तो सेंट्रल लॉक को छोड़ के हम इसका जो अल्टरनेटर है उसका अल्टरनेटर का तार और जो हीट टाइमर है उसको चेक कर लेंगे। चलिए कैमरा सामने लेकर आओ। तो थोड़ा हम पोस्ट कर लेते हैं अल्टरनेटर तार खोलने के लिए कैमरा को। अब देख सकते हो इसका जो बैटरी का नेगेटिव वायर है ये खोल के रखा है अभी, और इसका जो बैटरी का टर्मिनल है, बैटरी सॉरी, इसका जो अल्टरनेटर का मेन टर्मिनल है उसको हम खोल लिया है, फिर भी ये लाइट जल रहा है, मतलब इसका जो अल्टरनेटर है वो सही है। और अल्टरनेटर को छोड़ के इसका जो हीट टाइमर रहता है, देखिए एयर किनार जो रहता है, इधर जो एयर किनार रहता है, एयर किनार उठाने के बाद इसका बैटरी का जो बाजू में है क्लम में इसका जो हीट टाइमर रहता है, देखिए ये वाला हीट टाइमर, ये वाला, इसको खोल के चेक कर लेना होगा। अगर ये भी शॉर्ट होगा तो इसमें लाइन पकड़ के रखेगा, तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसका जो हीट टाइमर है ये भी हम खोल लिया, फिर भी इसमें अभी तक वोल्टेज है, मतलब
अल्टरनेटर भी सही है, फिर टाइमर भी सही है और आपका डेक भी सही है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो चलिए प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करके दिखाता है, तो कंटिन्यू देखते रहिए। पहले ये जो सामान हम फिट कर लिया है इसको पहले थोड़ा फिट कर लेते हैं, कंटिन्यू देखते रहिए। सामने लेकर थोड़ा सामने लेकर। सो फ्रेंड्स, चारों आइटम हम चेक किया, इसका अल्टरनेटर का मेन वायर और इसका जो फिट टाइमर उसको और बेक और सेंटर लॉक, चारों आइटम जो कॉमन रहता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मगर ये चारों सही है। तो प्रॉब्लम क्या है इस देखने के लिए इस वीडियो की पूरा लास्ट तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए प्रॉब्लम का आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दिखाते हैं कैमरा सामने लेकर। तो अगर ऐसा पोजीशन रहेगा तो फ्रेंड्स पहले इसका जो सिस्टम है ऐसे फिट करना होगा, उसका बाद जितना सारा फ्यूज है जितना सारा रिले है एक एक करके ओपन करते रहना, ठीक है। तो जो फ्यूज या रिले खोलने का बाद इसका जो कनेक्शन बंद हो जाएगा, समझ लीजिएगा वही लाइन आपका डायरेक्ट है। तो चलिए आप लोगों को सिर्फ दो आइटम आपको खुल के चेक करा देता है, ज़्यादा खुलेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्टकट में आप लोगों को दिखा देता है इसमें प्रॉब्लम मेन था क्या था। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका फ्यूज बॉक्स है अंदर दिखाई दे रहा है आपको कैमरा में, और इसका फ्यूज बॉक्स का ढक्कन है, ठीक है। तो इसका जो फ्यूज और रिले का लोकेशन है बहुत अंदर है, कैमरा में उतना क्लियर नहीं आ पाएगा, जितना आएगा उसका हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। कैमरा सामने लगा, ठीक है। हेलो, तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसका जो एक रिले है एक खोल लिया है, खोलने का बाद भी इसमें अभी तक लाइन है, देखो दिखाई दे रहा है अभी तक लाइन है, मगर ये रिले में प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूज पहले सब चेक कर लिया था, तो दूसरे वाला रिले है इसको हम खोल रहे हैं, इसको लगा देता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे दूसरा वाला एसी का जो कंप्रेसर का हम रिले खोल लिया है, इसका जो लाइट है देख सकते हो तो बंद हो गया है, जो बहुत जोर से जल रहा था वो बंद हो गया। अभी थोड़ा सा जो जल रहा है ये सेंटर लॉक का है, ये थोड़ा ऐसे जलता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करके दूसरा लगाएंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, हम दूसरा एक रिले जो है इसको अभी इसमें फिट करने वाला हूँ। इसमें फिट कर दिया, अभी जो इसका बैटरी का वायर है देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा है। और दूसरे जो चीज़ है इसको दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ, दूसरा जो चीज़ है इसको लाइन करके दिखा देता है, देखिए इसमें अभी नहीं जल रहा है, जल रहा है एकदम हल्का सा जल रहा है, ये सेंटर लॉक के लिए ये जलता है। सेंटर लॉक का चाबी जो है बंद करो ऑन करो, देखिए सेंटर लॉक चाबी बाहर लेकर आओ, बाहर लेकर आओ, हाँ पूरा बाहर ले लो। अब गेट बंद करो, गेट बंद करो, लॉक करो, गेट बंद करो, चाबी से लॉक करो, गेट लॉक करो, हाँ लॉक करो। देखिए जब लॉक किया थोड़ा पावर बढ़ा, अब फिर कम गया है, और लॉक खोलो, देखिए जब लॉक खोला फिर थोड़ा पावर बढ़ा है। तो इसका सेंटर लॉक का जो लाइन है ऐसे थोड़ा रहता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था आएगा। जो मेन प्रॉब्लम था वो एसी कंप्रेसर का रिले का था, वो डायरेक्ट हो गया था, इसका वजह से एसी कंप्रेसर कंटिन्यूस चल रहा था, गाड़ी बंद होने का
बाद भी इसका वजह से इसका जो बैटरी है प्रॉब्लम हो गया था और बैटरी थोड़ा डाउन हो जाता था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना। चलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक इंतजार कर लेते हैं।